शहीद अमर रहे। आज कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती के अवसर पर नगर के सिटी पार्क स्थित शहीद स्थल पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल के युद्ध में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में बैंड द्वारा सेना के धुन बजाकर देश के लिए प्राण निछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां बोलते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों का असली उद्देश्य देश के युवाओं में देश प्रेम जागृत करने के साथ साथ युवाओं में कारगिल युद्ध की चिंगारी को जीवित रखना प्रमुख है। वर्ष 1999 में शत्रु देश की सेना ने कारगिल की 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाकर भारतीय सेना को चुनौती दी थी, लेकिन भारत की सेना ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया, फिर दुश्मन देश की सेना को हमें आंख दिखाने की भी हिम्मत नहीं हुई। कारगिल युद्ध देश के सेना के बलिदान, वीरता, स्वाभिमान के साथ साथ उनके जज्बे की पूरी कहानी है। यही वजह रही कि हमने दुश्मन देश की सेना को धूल चढ़ा दी, जिससे आज के युवाओं को सबक लेना चाहिए। और हम उन शहीदों जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई है, उनका नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं हर बार याद रखेंगे। 25 साल हो गए, लेकिन ये दुखद नहीं, वैसे भी मिलेंगे दुखद चीज आज तक भूल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने प्राण गंवाए और शहीद हमारे देश की रक्षा करते हैं और उन्हें हम हमेशा नमन करते रहे। आज 25 साल हो गए हैं इस विजय दिवस को। कहाँ 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो पाकिस्तानी सैनिक या घुसपैठिए कब्जा करके बैठे थे, और 2 महीने के अंदर 27 मई से 27 जुलाई 2 महीने के अंदर ही हमारे सैनिकों ने पूरी वीरतापूर्वक उस पूरे एरिया को रिक्लेम किया और अपनी वीरता को गौरवान्वित किया। इस भारत का पूरे का पूरा अखंडता को बनाए रखा और इनके एक अखंडता को और पूरे राष्ट्र को मजबूत करने का पूरा संदेश दिया। 533 आदमियों का बलिदान हुआ और करीबन 2,000 के करीब सैनिक जख्मी हुए, लेकिन एक अखंडता और एक अपनी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा का जो उन्होंने योगदान दिया, खासकर कैप्टन बत्रा, जो बड़े फेमस हुए विक्रम बत्रा जी, ये दिल मांगे मोर करके जो उनका नारा चला, तो उससे मेरे ख्याल पूरे जो हमारे यंगस्टर हैं उनको एक संदेश भी उन्होंने दिया कि देश की सुरक्षा के लिए चाहे वो आप सैनिक बने, चाहे पुलिस सेवा में जाएं या किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन इस देश की सेवा के लिए कार्य करते हैं। तिथि में हम लोग इस तरह से मना रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं, ये हम लोग के लिए काफ़ी है और बच्चों के लिए जो मतलब एक प्रेरणा मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चों के तरफ भी हम लोग को ध्यान देना है कि वो अपने देश के लिए जिस तरह से के आगे के लिए आगे बढ़े, और जिस तरह सेनानियों ने हम लोग के इस कारगिल जो विजय हुआ है अपने बलिदान दिए हैं, उनको ही हम लोग याद करते हैं इस दिवस पे। ये हम लोग के जो इसके संस्थापक हैं यहाँ के काफ़ी थे, उनका काम जो है काफ़ी सराहनीय है, और जिस तरह सेनानियों ने पाकिस्तान को हराया है उस वक्त, जिस वक्त हम लोग के देश के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, कहे कि उन लोग धीरे धीरे अपना पैरा ट्रूपर्स घुसा दिए थे लेह में, और हम लोग चाहते थे वो को लेह को अपने देश से अलग कर देना, वो धीरे धीरे घुस, लेकिन हम लोग को जब पता चला तो काफ़ी उत्साहपूर्वक मेरे सैनिकों ने अपने उन लोग को हराया है, जबकि उन लोग काफ़ी ऊँचे स्थान में पहुँच गए थे। होते हैं पूरा अपना पैरामिलिट्री, हम लोग का एयरफोर्स तो है, एयरफोर्स को भी यूज़ करना पड़ गया था, और उनको हरा करके पीछे हटाए और अंतर्गत हम लोग जीत के उन लोग को दिखा दिए, और उन लोग को हमें से कुछ ना कुछ लगा रहता है कि हम लोग कुछ कर देंगे, लेकिन हमें से उनका जो इरादा, जो नापाक इरादा को हम लोग इतने चूर चूर कर देते हैं और उनको अपने शर्मसार होना पड़ता है। ये बहुत कठिन लड़ाई थी जो कि हम लोगों के जवान परिश्रम करके प्रयास करके उस जगह तक पहुँचे। दूसरे देश के सैनिक के पास वो क्षमता नहीं जो हमारे भारत के सैनिक, कोई साधन नहीं जाने के लिए, अपने ताकत से अपने बल पर पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच करके लड़े हैं, और लड़ करके एक एक आदमी 14-15 गोलियाँ खाकर फिर भी वो कामयाब रहे। आज उनको परमवीर चक्र मिला है जोगेंद्र जाधव जी को, है ना, और भी बहुत से लोग थे जो कि उस जगह पर पहुंच करके अपना जान दे दिए, वो नहीं हैं,
उनके बारे में हम लोग याद करते हैं साल में एक बार, और वो साल में एक दिन ये सौभाग्य की बात है, दुख की बात नहीं कि हाँ वो एक बेटा नहीं थे, पूरे भारत के बेटा थे और भारत उनको हरदम याद करे। क्या लग रहा है कि जो साधन कम था, जैसे 62 का लड़ाई, 65 का, 71 का, लेकिन ये 99 वाला जो था इसमें हमारे पास कुछ था और सरकार जैसे भी चाहिए वैसे हम लोग करके दिखाए। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, बेताना दसम लो भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहली जन्म जहाँ पे कला।